सुबह 9:30 की बात है, हमें 108 से एक इमरजेंसी कॉल आती है कि एक्सीडेंट हो गया है, तो हम फौरन उसी तौर निकल जाते हैं। जब हम सीन पर पहुंचते हैं तो वहां पर उस पेशेंट को ऑलरेडी हॉस्पिटल लाया हुआ था, तो तब क्या हुआ कि हमने उनको बोला कि यहां पर रास्ता जो है कच्चा है, यहां गाड़ी नहीं आती। उनका रिलेटिव एक अदनान पायलट है, तो उसने क्या किया कि बोलने लगा, दूसरे पायलट से चाबी ली और गाड़ी कच्चे में ले गया। वहाँ से गाड़ी हम उस हॉस्पिटल के पास गाड़ी लेके जाते ही नहीं है, वहाँ रास्ता बिल्कुल कच्चा है। तो क्या किया उसने, गाड़ी लेके कच्चे में गया, तब भी तो उस पेशेंट को हमने गाड़ी एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद गाड़ी वहाँ से कच्चे से ऊपर नहीं आ रही है, तो 2-3 बार उसने वहाँ से चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बंद हो गई। 20-30-25 लोग उस गाड़ी में थे, तो वो लोग मुझे बोलने लगे कि आप क्या करो, गाड़ी को रास्ते से साइड करो, जबकि गाड़ी का एक्सल टूट चुका था। तो उस दौरान मैंने बोला मेरा काम टेक्नीशियन का है, मेरा काम नहीं है कि मैं गाड़ी, और ना ही मुझे गाड़ी चलानी आती है। तो उनके नाम मेरे पास थे, मैं उन बंदों के नाम ही बताना चाहता हूँ, 4-5-6 बंदे हैं जिन्होंने मुझे ज़्यादा मारा। हमारे नोटिस में भी अभी आया कि वहाँ पे 108 एम्बुलेंस के स्टाफ के साथ कहीं क्लैश हुआ है पेशेंट्स के अटेंडेंट्स का, तो हमने इसकी पूरी डिटेल अब इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दिया और रिपोर्ट अवेटेड है, जैसे आएगी हम तफसीलन आपको बता देंगे। मुख्तसर यह है कि पेशेंट के अटेंडेंट ने जो EMT था उसके साथ और ड्राइवर के साथ हाथापाई किया, उसमें EMT इंजर्ड हुआ है, उन्होंने कहीं कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई है, हमने कमेटी तश्कील दिया, जैसी कमेटी की रिपोर्ट आती है तो हम आपको वाजिया कर देंगे।